चलो बेबी चलते हैं, आपकी सर्विस है आज। इसका रूप देखो आप, हरिद्वार और ऋषिकेश आने के बाद कुछ हुआ नहीं है वैसे, बस सर्विस है 10,000 किलोमीटर पर, तो हमारी थर्ड सर्विस आज इसे दिखा लेते हैं। सो गाइस, आज हमारी बुलेट की है थर्ड सर्विस जो होती है 10,000 किलोमीटर पर, और हमारी बुलेट 10,000 किलोमीटर चल चुकी है पूरी। ये देखिए 10,000 किलोमीटर चल चुकी है पूरी, और आज इसकी थर्ड सर्विस। जो कंपनी की तरफ से चार सर्विस फ्री मिलती है ना, वही सर्विस है आज इसकी तीसरी सर्विस, पर फ्री तो नाम की है, बस लेबर चार्ज फ्री रहता है। सो दोस्तों, फ्री तो खैर नाम की रहती है सर्विस, फ्री में भी बुलेट की सर्विस में 1,000-1,500 रुपये चले जाते हैं, मोबिल चेंज वगैरह में खर्चा हो ही जाता है। मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं बुलेट का शोरूम, तो हम आ चुके हैं बुलेट के शोरूम में। चाचा राम राम। तो दोस्तों, देखना कितना गंदा एक्सीडेंट हो रखा है, स्टैंडर्ड का यहाँ पे खड़ी है शोरूम पे। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, इसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन बहुत गंदी टक्कर लग रखी है पीछे से। इसमें हमारी बुलेट यहाँ लग चुकी है, भैया बताएंगे अब सर्विस के कागज़ लेके गए हैं, चलो सर्विस कराते हैं इसकी भी। अब हमारी बारी है सर्विस की। चलो आज ये तो ठीक हुआ कि आज भीड़ ही नहीं है इतनी, तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। वैसे ही मैं कल बात करके गया था यार, 34 नंबर रहता। 34 नंबर पे? अच्छा, 34 नंबर रहता है। सो दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बुलेट की फोर्थ सर्विस है। मैंने कहा फोर्थ कहाँ यार, अभी तो थर्ड सर्विस है 10,000 किलोमीटर पे, तो तीसरी सर्विस होती है, चौथी बता रहे हो तुम। और तो देख रहे हैं, वही देख रहे हैं अभी, चलो दिखाते हैं आपको। ये अंदर शोरूम, हेलो, वो कहाँ के खल्ला है वो? क्या बात हो गई? लास्ट सर्विस होता है, अभी सर्विस से चेक करो। चेक कर रहे हो? सो गाइस, ये है हमारे पास का रॉयल इनफील्ड बुलेट का शोरूम, और ये है इसका सर्विस सेंटर। ये नया स्टॉक आया है स्टैंडर्ड का, ऐसे उतरती है यहाँ गाड़ी और ऐसे चलती है, बहुत रिस्क का काम है। थोड़ी सी भी नज़र हटी तो मामला गिर सकता है, हैंग हो सकता है मामला, नज़र हटी दुर्घटना घटी। गाइस, इन्होंने हमारी बुलेट कर ली है चेक, और अब हमारा नंबर आ चुका है फाइनली, और हमारी बुलेट जा चुकी है अंदर। तो गाइस, हमारी बुलेट लग चुकी है सर्विस पर, और देख सकते हैं आप, यहाँ हमारे भाई कर रहे हैं सर्विस ब्रेक, और इसका ब्रेक शू चेंज होएगा, और बाकी सब चीज़ तो एकदम ठीक है, बाकी देख रहे हैं क्या कमी आएगी क्या नहीं। सो दोस्तों, ये है इसका एयर फिल्टर, और ये सब चीज़ एग्जॉर्ब कर लेता है धूल मिट्टी। ये एयर फिल्टर हो चुका है, लग चुका है एयर फिल्टर, और यहाँ की सर्विस चल रही है, अब देख सकते हैं आप, सब अपने काम में लगे हुए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम। सो दोस्तों, अब डल रहा हमारा ब्रेक शू। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे ब्रेक शू पूरे घिस चुके हैं, और हमारे ब्रेक शू डल नए अभी, ये होते हैं ब्रेक शू, और सारा अकड़म पकड़म भार है हमारा, ब्रेक शू डलने हैं दोस्तों। देख सकते हैं ब्रेक शू की हालत कैसी हो गई। बुलेट वाले जितने भाई अब लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी तो बुलेट पूरी मस्त है, ब्रेक शू कोई काम था इसमें मेन, और इंजन ऑयल भी डला,
और ये फिल्टर थोड़ा सा प्योर हुआ है, बाकी तो सब पूरा बिल्कुल कैंट चल रही है कैंट। सो गाइस ये रहे हमारे नए ब्रेक शू और ये डलने हैं, तो हमारा ताम चाम जुड़ रहा है, ब्रेक शू लग चुका है। सो गाइस फाइनली हमारी बुलेट की सर्विस हो चुकी है और अब ये लग गई है वॉशिंग के लिए। देखो देख सकते हैं आप, वॉशिंग कर रहा भाई अपना। और आप आपके मन में होगा डाउट कि यार अपने अंदर की इतनी वीडियो क्यों नहीं ली, क्योंकि यार अंदर वीडियो बनाने के लिए मना कर देते हो, अंदर वीडियो बनाना मना है, व्लॉगिंग वगैरह सब चीज़ मना, इसलिए यहाँ बाहर आके ले रहा हूँ। अब वॉशिंग हो रही है, अब थोड़ी सी कोटिंग हो रही है इसमें, फिर दिखाते हैं आगे इसका रिव्यू। हाँ भाई हाथ हिला दे, हाथ हिला दे हसरा, अबे हाथ हिला दे बस तू नहीं। सो दोस्तों हमारी गाड़ी अब लग चुकी है कोटिंग के लिए। ये मैं जब हरिद्वार से जल टांग के लाया था यहाँ पे, तो ये जल टांगने की वजह से रस्सी किस किस के किस किस के आके थोड़ा पेंट छूट गया है, इसे ठीक कराना और कोटिंग वगैरह होगी पूरी बुलेट पे। देख सकते हैं आप ये हमारे भैया जो कोटिंग करेंगे। कोटिंग चल रही है भाइयों अपनी बुलेट की। सो भाइयों ये है जो कर रहे हैं हमारे इसमें रबिंग पॉलिश बुलेट में, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इससे धीरे धीरे। अभी आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। सो हे गाइस देखिए हमारा फाइनल लुक, पूरी बुलेट हो चुकी है, कोटिंग भी सर्विस भी ठीक है सब। कोटिंग के बाद पूरी बुलेट नई हो गई है देखो, और अभी दूंगा इसका पूरा रिव्यू, क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, क्या क्या इसमें हुआ है इसकी थर्ड सर्विस में। सो दोस्तों देखना अब आ गए हम घर पे, कोटिंग वगैरह सर्विस वगैरह हो चुकी है इसकी, और घर वालों को कह रहे तूने तो बुलेट नई करवा दी। यही तो है कोटिंग का हिसाब किताब, इन्हें पता नहीं था। और मजे की बात देखो आज, पता है क्या है, कोटिंग सिर्फ 50 रुपये में हुई है, जो सर्विस करवा रहे हैं ना बंदे उनको कोटिंग सिर्फ आज स्कीम चल रही है कि 50 रुपये में ही होगी, इसलिए 350 रुपये की जो कोटिंग होती है वो 50 रुपये में हुई है। देखो इस पर उठ भी नहीं रही, उठा उठा चला, स्पीक इन हिंदी नॉट पहाड़ी। नहीं अब ठीक है, मम्मी नहीं नहीं लग रही वैसे, मम्मी मम्मी नहीं नहीं लग रही वैसे पूरी बुलेट। अबे यार, सो गाइस देख सकते हैं एक ब्रेक शू चेंज हुआ है, इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ है, और कोटिंग हुई है इसकी, और ए टू जेड सारी सर्विस हुई है, कोई पेच वे ढीला वगैरह हुआ हो तो वो भी ठीक हुआ है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अरे उल्लू की घड़ी ऐसे होता है, और प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और देखो उठ नहीं रही इस पर, अगर ये गिरी ना इसका देखो कैसा भूत बनाऊंगा फिर मैं। और थूक रखा है, थूक नहीं रखा साइलेंसर पर, किसी का जूता चिपक गया है वो। ओ ओ साइलेंसर से देखो इसका वो, देखो पैर जल गया। लग गई दिखाइयो पैर इसके, साइलेंसर से पैर जल गया। सो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और बुलेट वाले जितने भी बंदे देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ आगे और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यार बनाए रखें। और देखिए बिल्कुल नई हो गई है बुलेट कोटिंग के बाद, तो बिल्कुल मस्त हो गई है। और मैं आप सभी से भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी बुलेट वाले जितने भी हैवी हैवी व्हीकल ले रखे हैं सब ने, उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जितने भी लॉन्ग रूट पे जाते हो एक बार वो सब चीज़ सर्विस में दिखा लिया करो, और जो भी है कमी वमी बता दिया करो, मतलब कुल मिला के अपनी बुलेट को अपनी बाइक को केयर करना सीखो। ये देखो कार्टून आ गए पीछे से, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ये देखो कार्टून, चलो मम्मी को तो देख, मैं क्यों कार्टून हूँ, मैं क्यों कार्टून हूँ। ये देखो दादा चलते तो मास मास। सो गाइस चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। नमस्ते जय हिंद।